मजर और राम राम नमस्कार। हमें देवन बता दें, मौजूद है झांसी के गुमनावारा है मौजूद। गुमनावारा के अंदर न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल में मौजूद है। इस स्कूल की विशेषता बता दें कि काफी सालों से हम इस विद्यालय में आ रहे हैं, सभी स्कूलों बच्चों का दृश्य दिखाते हैं, पूरी स्कूल की स्टोरी भी आप सभी को दिखाते हैं। परंतु इस बार हमारे साथ जो स्कूल के संचालक कर रहे थे श्री दुर्गा प्रसाद झा, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं की नींव रखी हुई है न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अंदर। अब चूंकि उनके बच्चे हैं, हमारे साथ उनके बेटे बैठे हैं उमेश झा, यह विद्यालय को सुचारू रूप से पूरी देखरेख में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं राहुल परिहार साहब, यह हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब। पहले ले चलते हैं सर जी से, उमेश झा से जानते हैं कि आखिरकार पिताजी की वो शिक्षा कुंजी को लेकर बच्चों को शिक्षा देने का कितना काम कर रहे हैं और कौन से स्तर से अपना विद्यालय चला रहे हैं। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा, क्या आपका पिताजी स्कूल में नींव रखी थी, क्या पिताजी का मकसद था? जो हमारे पिताजी ने नाम बढ़ाया है, स्कूल का जो नाम रोशन किया है और उनकी जो पहचान, उनकी जो कार्य थे, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उन्हीं का नाम चलाना है, उनके विद्यालय का नाम चलाना है, उन्हीं की शिक्षा दी हुई, उनसे ही सीखा हुआ, उन्हीं को सब बच्चों को सिखाना है। क्योंकि पिताजी का तो बहुत नाम था, कई जगह नाम था जी। क्या लगता है इतनी जगह आप पहचान बना पा रहे हैं? जी इतनी तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जी है कि कुछ थोड़ा सा उनके लिए मतलब उनका नाम है, जो कुछ तो कर पाएंगे, इतनी कोशिश हमारी है, उनका जितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जी उन जितनी थोड़ी सी उनकी कोशिश बड़ी रहेगी कि उनका नाम चलता रहे, इतना तो हम सही करेंगे। तो बताइए थे उमेश झा, अब ले चलते हैं प्रिंसिपल राहुल परिहार जी के पास, उनसे जानते हैं कि न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अंदर क्या विशेषता है, कौन से अच्छे स्तर से स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। राहुल जी क्या कहना चाहोगे, जब दुर्गा प्रसाद झा थे स्कूल के अंदर तब क्या स्थिति थी? उनके टाइम से ही हमारा यहाँ आना, मतलब यहाँ आए थे हम उन्हीं के टाइम में, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऑफिस का सारा वर्क उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने स्टार्ट किया था, तो उनका बहुत ज़्यादा वो हमारे ऊपर एक रहा है, उन्होंने फोकस ज़्यादा हम पे किया है कि आप ये करिए, कैसे पढ़ाना है, ये सब कैसे सिखाना है, और ऑफिस का काम और कैसे डीलिंग करनी है किसी को, या किसी बच्चे को, या उनके पेरेंट्स को, अभिभावक को कैसे समझाना है, ये सब उन्होंने हमें बताया है। तो अब उनके जाने के बाद थोड़ा ये है कि एक उनका सपोर्ट रहता था हमारे साथ हमेशा, तो वो थोड़ा पहले से कम है, लेकिन कोशिश यही है कि आप उनके ही मार्गदर्शन या पदचिन्हों पर चलते रहें थोड़ा, और उसका भविष्य में स्कूल का। अभी न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल में क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि कोविड के बाद से थोड़ा उसकी स्थिति गिरी हुई है स्कूल की, पहले से बच्चे भी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कोशिश ये है जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आए उनको अच्छे से अच्छे यहाँ शिक्षा दी जाए और शिक्षा व्यवस्थाएँ दी जाए, और यह है कि जो भी बच्चे आते हैं तो उन्हें यही बताया जाए कि शिक्षा का मतलब क्या है, भविष्य में आपको क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, और उनको मार्गदर्शन किया जाता है उनका कि आप क्या करें आगे, क्या पढ़ना है, आपको क्या सीखना चाहिए, सदाचार की बातें होती हैं, नैतिक चीज़ें होती हैं, समाज में रहना कैसे, क्या करना है आपको, ये सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें। धन्यवाद। ये थे राहुल परिहार जी, प्रिंसिपल साहब हैं, ये है उमेश झा साहब। बता दें आपको, न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल काफी सालों से गुमनावारा में स्थित है, सुचारू रूप से अब यह भूमिका उनके बेटे चला रहे हैं। प्रिंसिपल साहब पूरी भूमिका अपने स्कूल के अंदर शिक्षा का दान दे रहे हैं और अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आशा विश्वास करते हैं इस स्कूल में भी तरक्की हो और अच्छे आगे पढ़कर अच्छी अच्छी पोस्टों पर, नौकरियों पर स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।